आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सुपौल के यशस्वी जिलाध्यक्ष श्रीमान राम कुमार राय जी, बिहार प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई दुर्गेश सिंह जी, मंचा सिंह, सभी सम्मानित नेतागण, उपस्थित किसान बंधु, हम लोग आपके बीच कुछ जानकारी को शेयर करने के लिए आए हैं। अभी जब 2014 में आप सबों के सहयोग से केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, तो कुछ दिनों तक विपक्ष को लगा था कि अभी आ गया, यह एक घटना है और ये प्रधानमंत्री बन गए, आगे नहीं बनेंगे। धीरे धीरे प्रधानमंत्री जी ने गरीब और किसानों के हितकारी जब योजनाएं लाने शुरू की और यह बात जनता तक पहुंचना शुरू हुआ कि हमारा शासन है, हम तक सीधा पैसा केंद्र से हमारे खाता तक आ रही है, तो उनको कोई भी ऐसी मुद्दा जो जनता के हित में हो वो बच ही नहीं रहा है। तो कभी सी डबल ए पर रैली, उसमें भाड़े पर लोग लाके खड़ा कर देते हैं। कुछ लोग हमारे ऐसे हैं जो कि जिनको कि वो पकड़ के ले गए, 400-500 जो भी रोज हुआ दिए वो खड़ा हुआ। किसान के तरफ किसान सम्मान योजना के बाद जब कई सारे शोधकर्ताओं ने सुझाव भारत सरकार को दिया कि किसान का आय तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक उनको उनके उपज का मूल्य सही से नहीं मिलेगा, तो होते ये रहा कि पंजाब, बहुत सारे लोग कहते पंजाब में बहुत ज्यादा पैदावार होता है, पंजाब में ऐसा नहीं है कि पैदावार कम होता है, लेकिन उतना भी नहीं होता है जितना वो दिखा रहे थे। उसी में आज आपको जानकारी के लिए बता दें कि 70,000 आरती है पंजाब में रजिस्टर्ड है, जो कमीशन लेने का काम करते हैं, कमीशन पर FCI को वो अपना अनाज बेचते हैं और वह अनाज वो बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, कई राज्यों से खरीद कर कम दाम में वो यहाँ से खरीद कर और सपोर्ट प्राइस पर वहाँ FCI को बेच देते थे। उन्हीं सपोर्ट प्राइस पर पूरे भारत का किसान बेचे, उसी के लिए भी भारत सरकार ने लाए कि आप स्वतंत्र हैं, कहीं भी अपना उपज बेच सकते हैं। हमारे गांव में भी परिपाटी है कि हम लोग गांव के जो गल्ला व्यवसायी है या अन्य लोग हैं, उनसे फसल लगाने से पूर्व कुछ पैसा लेते हैं और बाद में जब फसल तैयार होती है तब उनको हम लोग बेचते हैं। सरकार ने इसी चीज को आपको मूल्य आश्वासन के साथ लागू किया तो उनको दर्द होता है, क्योंकि उनके जो व्यापारी हैं, सारे आरतिया का सिस्टम जो उन्होंने 7 वर्षों में खड़ा किया वह अब समाप्त हो रहा। यूरिया घोटाला करते थे वो भी समाप्त हो गया नीम कोटेड के माध्यम से। MSP पर वो फसल सरकार को देते थे लेकिन किसान को 60-70% तक ही दाम अपने फसल का मिलता था। आज वह बंद हो गई तो वो किसान के साथ रैली नहीं कर रहे हैं, बल्कि सभी आरतीय हैं, सभी कमीशन खोर हैं, सभी दलाल हैं जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनका सुविधा के लिए देखिए क्या क्या लगाए हैं, वो AC टेंट में बैठते हैं, उनके भोजन बनाने के लिए मशीन लगा हुआ है। किसान कभी भी इस तरह का रैली नहीं करते, उनको जो भी आश्रम पीते गए आजादी से उन्होंने साहस स्वीकार किया है। भारत जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है उसको अनाज के मामले में, खाद्यान्न के मामले में यही किसान आत्मनिर्भर बनाए हैं। सरकार अब इन किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना चाहती है, वो इनको दिक्कत हो रहा है, इसीलिए तरह तरह के बहाने बनाकर आपके बीच ये बारूदिया आएंगे, आपको सचेत रहना है। उदाहरण स्वरूप आप देखिए, पहले आपको सब्सिडी की राशि ब्लॉक में से जो मिलता था, पहचान पत्र लेकर आगे जो पेपर लेकर के उठा के वो रख लेते थे, आज सीधा आपके खाता में आता है। फसल में आज टैक्स आपके यहाँ आकर के धान खरीद रही है और उसका पैसा आपके खाता में आ रहा है, ना कि किसी बिचौलिया के खाता में जा रहा है। बंधुओं, आने वाले समय में और
कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो आएगी आप लोगों के लिए, लेकिन जब आप सरकार को मजबूत रखेंगे तभी आप आगे बढ़ेगी। एक बार फिर आपसे अनुरोध करेंगे कि न आपका जमीन बिकेगा, न आपको कुछ किसी तरह की हानि होगी। हानि उनको होना निश्चित है जिन्होंने किसान को लूटा है, जिन्होंने मजदूर को लूटा है, जिन्होंने गरीब को लूटा है, उनकी हानि तय है। उसके अच्छे दिन की गारंटी हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं दिए थे। हमारे प्रधानमंत्री जी गरीबों के अच्छे दिन की गारंटी दिए थे, किसानों के अच्छे दिन की गारंटी दिए थे, युवाओं को दिए थे, इन लूटरों को काफी को कभी गारंटी नहीं दिए। आप लोग सचेत रहिए इन लूटरों से, आपको इसी तरह अन्य योजनाओं से लाभ मिलता रहेगा। इन्हीं के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शंकर ठाकुर जी। अब हम सबों के बीच अगले वक्ता अपने रूप में